दोस्तों इस वीडियो में हम लेकर आए हैं विंडमिल यानी पवन चक्की के मैन्युफैक्चरिंग से लेकर इंस्टॉलेशन तक का पूरा प्रोसेस। हम दावा करते हैं कि विंडमिल से संबंधित इससे बेहतर वीडियो आपको नहीं मिलेगा। वीडियो शुरू से आखिर तक पूरा देखें ताकि कोई जरूरी जानकारी ना छूट जाए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों क्या आप जानते हैं एक मीडियम साइज के विंडमिल से 1000 घरों की बिजली की जरूरत पूरी होती है। विंडमिल हवा की गति का प्रयोग करके बिजली बनाती है जो पोल्यूशन फ्री और एक बार विंडमिल लगने के बाद सालों साल लगातार बिजली प्राप्त की जा सकती है। आइए देखते हैं पूरा प्रोसेस, किस प्रकार से विंडमिल बनता है और किस प्रकार से इसे इंस्टॉल किया जाता है। विंडमिल के मुख्य रूप से तीन हिस्से होते हैं, विंडमिल टावर, विंडमिल ब्लेड्स और जनरेटर। और हाँ, विंडमिल को इंस्टॉल करने के लिए बहुत ही बढ़िया क्वालिटी की तकनीक की भी जरूरत पड़ती है। ये है विंडमिल के टावर को तैयार करने वाली फैक्ट्री। विंडमिल के टावर को स्टील से बनाया जाता है। इसके लिए फैक्ट्री में स्टील की मोटी शीट्स को लाया जाता है। कंप्यूटर में बताए गए माप के अनुसार बेंडिंग मशीन में स्टील शीट्स को डालकर उन्हें मोड़ा जाता है। विंडमिल टावर के बेलनाकार हिस्सों को आधुनिक और शक्तिशाली मशीनों का प्रयोग करके वेल्डिंग द्वारा आपस में जोड़ दिया जाता है। फैक्ट्री में मौजूद एक्सपर्ट्स टावर को अच्छे से चेक करते हैं और ये पक्का किया जाता है कि पूरा टावर सही माप के साथ बना हो। इसके बाद पूरे टावर पर अंदर और बाहर दोनों तरफ से पेंट की कई परतें चढ़ा दी जाती हैं ताकि टावर पर जंग लगने की संभावना समाप्त हो जाए। इसके बाद टावर के भीतर सीढ़ियां फिट की जाती है ताकि जरूरत पड़ने पर इंजीनियर्स विंडमिल के मेंटेनेंस या रिपेयर का काम पूरा कर सकें। आमतौर पर एक विंडमिल की ऊंचाई लगभग 100 मीटर होती है, यानी विंडमिल लगभग 30 मंजिला बिल्डिंग जितना ऊंचा होता है। इसलिए विंडमिल टावर को दो या तीन हिस्सों में ही ट्रांसपोर्ट किया जाता है ताकि ट्रांसपोर्टेशन और इंस्टॉलेशन दोनों कामों में दिक्कत ना आए। अब हम आ गए हैं विंडमिल के ब्लेड यानी विंडमिल के पंखे को बनाने वाली फैक्ट्री में। आमतौर पर विंडमिल का एक ब्लेड लगभग 30 से 40 मीटर लंबा होता है। विंडमिल के ब्लेड को हल्का और मजबूत बनाने का पूरा प्रयास किया जाता है। कुछ साल पहले तक ब्लेड को स्टील का प्रयोग करके बनाया जाता था, लेकिन आजकल ज्यादातर विंडमिल के ब्लेड्स को फाइबर्स का प्रयोग करके बनाया जाता है। बहुत ही बढ़िया क्वालिटी के फाइबर शीट से बनी ब्लेड स्टील की तुलना में बहुत हल्की और मजबूत होती है। विंडमिल के ब्लेड्स भीतर से खोखले बनाए जाते हैं ताकि वे आसानी से हवा की गति के साथ घूम सके। ब्लेड्स को तैयार करने के बाद उन पर कई तरह के टेस्ट किए जाते हैं ताकि उनके निर्माण में कोई कमी ना रह जाए और उन्हें कम से कम 25 सालों तक आराम से इस्तेमाल किया जा सके। सभी टेस्ट ओके होने के बाद ब्लेड्स पर पेंट करके उन्हें ट्रांसपोर्ट कर दिया जाता है। विंडमिल टावर और ब्लेड्स के बाद विंडमिल का तीसरा हिस्सा होता है जनरेटर। जनरेटर को विंडमिल के सबसे ऊपरी हिस्से में लगाया जाता है जिसके काम करने से बिजली बनती है। जनरेटर एक बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट है और इसे बहुत ही बढ़िया प्लानिंग और उच्चतम टेक्नोलॉजी का प्रयोग करके बनाया जाता है। इस काम के लिए इस्तेमाल होते हैं दुनिया के बेस्ट इंजीनियर्स जिन्हें अपने काम का कई सालों का तजुर्बा है। फैक्ट्री में विंडमिल के जनरेटर को तैयार करते समय ही उस पर कई तरह के टेस्ट कर दिए जाते हैं। टेस्ट के लिए सबसे आधुनिक मशीनों का प्रयोग किया जाता है। जनरेटर के सभी टेस्ट ओके होने के बाद जनरेटर पर पेंट किया जाता है और उसे ट्रांसपोर्ट करके उस जगह पर भेज दिया जाता है जहां पर विंडमिल को लगाया जाना है। आइए अब देखते हैं कि किस प्रकार से लगभग 2,00,000 किलो के विंडमिल को इंस्टॉल किया जाता है। इस काम के लिए सबसे पहले जमीन में चौड़ा गड्ढा बनाया जाता है। कंक्रीट और स्टील का बहुत ही मजबूत बेस तैयार किया जाता है ताकि विंडमिल के जमीन में धंसने की कोई संभावना ना रह जाए। विंडमिल के बेस को बनाने के लिए हजारों किलो स्टील का प्रयोग किया जाता है। स्टील से बेस का केच तैयार किया जाता है और इसमें कंक्रीट भरकर इस निर्माण को पूरा किया जाता है। देखिए कंक्रीट और स्टील से
विंडमिल का मजबूत बेस तैयार हो गया है, जिस पर विंडमिल को फिट करने के लिए कई सारे पेच भी रखे गए हैं। बारिश या किसी और कारण से इकट्ठे होने वाले पानी की निकासी के लिए भी जमीन के नीचे पाइप्स डाले जाते हैं। इसके बाद इस स्थान पर विंडमिल ब्लेड्स और विंडमिल टावर पहुंच जाते हैं। सबसे पहले विंडमिल टावर के निचले हिस्से को अत्यधिक भार उठाने की क्षमता रखने वाले क्रेन्स का प्रयोग करके फिक्स किया जाता है। कंक्रीट से बने बेस पर लगे बोल्ट्स के साथ विंडमिल टावर के सबसे निचले हिस्से को फिक्स कर दिया जाता है। इसके बाद इंजीनियर्स टावर के भीतर लगी सीढ़ियों की मदद से टावर के टॉप पर पहुंचते हैं। क्रेन्स की मदद से टावर के दूसरे हिस्से को भी पहले हिस्से के ऊपर लगाया जाता है, जिसे टावर के भीतर बैठे इंजीनियर्स नट बोल्ट की मदद से जोड़ देते हैं। अगले स्टेप में विंडमिल टावर पर जनरेटर को चढ़ाकर जनरेटर की फिटिंग का काम भी पूरा कर लिया जाता है। लगभग 100 से 120 मीटर की ऊंचाई तक विंडमिल के इन हिस्सों को पहुंचाने के लिए बहुत ही बढ़िया किस्म के क्रेन्स की जरूरत होती है, जिनका निर्माण हर देश में नहीं हो पाता है। भारत जैसे अनेक विकासशील देश इस प्रकार के क्रेन्स को अमेरिका, यूरोप और जापान आदि देशों से आयात करते हैं। देखिए, अब जनरेटर के आगे लगने वाले हिस्से रोटर हब की फिटिंग भी की जा रही है। क्रेन्स की मदद से ही विंडमिल ब्लेड्स को भी एक एक करके रोटर हब के साथ जोड़ दिया जाता है। इतनी ऊंचाई पर इस पूरे काम को बहुत ही एहतियात और सबसे आधुनिक तकनीक का प्रयोग करके किया जाता है। जरा सी चूक का मतलब है बहुत बड़ा नुकसान और फिर से निर्माण कार्य में बहुत अधिक समय की बर्बादी। इंस्टॉलेशन के तुरंत बाद विंडमिल ने काम करना भी शुरू कर दिया है। कई सारे विंडमिल को इसी प्रक्रिया से इंस्टॉल करके विंडमिल फार्म बना दिया जाता है, जिसमें लगे अनेकों विंडमिल्स की मदद से लगातार बिजली बनती है, जिससे हजारों घरों, फैक्ट्रियों, ऑफिसर्स की बिजली की जरूरत को पूरा किया जाता है। भारत में भी अनेक जगहों पर विंडमिल और विंडमिल फार्म्स लगाए गए हैं। राजस्थान के जैसलमेर में स्थित जैसलमेर विंड पार्क भारत का सबसे बड़ा विंडमिल फार्म है। भारत जैसे देश जहां पर बिजली की बहुत कमी है, ऐसे में हम उम्मीद करते हैं कि भविष्य में भारत में भी और अधिक विंडमिल लगाए जाएंगे और भारत ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर हो पाएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और कमेंट करके चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि इस प्रकार के वीडियोस बनाने के लिए हमें प्रोत्साहन मिलता रहे। धन्यवाद।